ये है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर बाइक, जो कि 373 सीसी इंजन के साथ में अपने को ये मिलती है। तो इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु, हिमांशु मोटर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपनी KTM ड्यूक 390 एडवेंचर या KTM 390 एडवेंचर, दोनों नाम से इसको बोला जाता है। कंपनी बोलती है 390 एडवेंचर। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मोस्ट एंड पहली बात, एडवेंचर बाइक है तो इस हिसाब में इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर अपने को मिलता है। ये अपने स्विचेस वगैरह हैं, क्लच इसका एडजस्टेबल अपने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर अपने को काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। हेडलाइट की बात करें तो DRL के साथ में मिलती है और काफ़ी यूनिक लगती है। उसके अलावा अपन बात करते हैं इस गाड़ी के मोस्ट थिंग खरीदने के हिसाब से, तो 14.5 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक दिया हुआ है। लोडेड कैपेसिटीज की है इलेक्ट्रॉनिक की, पानी के अंदर चलाओ, किसी भी मिट्टी वगैरह में चलाओ। बात करें सस्पेंशन की तो WP के अपेक्स UST फोर्क मोनोशॉक सस्पेंशन अपने को मिलते हैं, अप डाउन सस्पेंशन। लाइट वेट मिल जाता है। उसी के साथ साथ राइडिंग मोड इसके अंदर अपने को MTC मिल जाता है, मतलब हाई टेक्नोलॉजी वगैरह मिलती है। तो बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो उससे पहले अपन बात करते हैं कलर की। तो इसके अंदर अपने को ब्लैक एंड ग्रे और ऑरेंज कलर के दो कलर अपने को इसके अंदर मिलता है, जो कि आपको पता है कि ऑरेंज KTM का साइन है। 42.3 BHP की पावर इसके अंदर मिल जाती है, 42.3 BHP, 9000 RPM पे 37 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 373 cc का इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, 6 स्पीड में गेयर बॉक्स के साथ में अपने को ये आता है। बात करें माइलेज की तो लगभग 25 से 30 तक की ये माइलेज दे देती है। टायर आप देखोगे तो काफ़ी इसके ब्रॉड टायर, काफ़ी ऑफ रोड टायर अपने को मिलते हैं। बात करें टॉप स्पीड की तो 170 से 180 तक की इसकी टॉप स्पीड मिल जाती है। अब टायर साइज के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो रियर का मिलता है 130 80R17 का ट्यूबलेस टायर। रेडियल टायर इसके अंदर अपने को नहीं मिलते हैं। पीछे की पिलियन की सीट के नीचे अपने को छोटा सा स्पेस मिल जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ोन वगैरह रखने के हिसाब से। और बात करें ड्राइवर की सीट की तो काफ़ी एडजस्टेबल, काफ़ी मतलब बड़ी सी सीट अपने को मिल जाती है। फ्रंट टायर की बात करें तो 190R19 का अपने को फ्रंट में टायर मिल जाता है। WP के अपने को सस्पेंशन मिलते हैं, अलॉय व्हील मिल जाता है, स्विचेबल ABS मिल जाता है, और 320 mm का अपने को फ्रंट में डिस्क मिलता है, 230 mm का अपने को रियर में डिस्क मिल जाता है। उसी के साथ साथ कर्ब वेट की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 163 kg का इसका कर्ब वेट है। तो मैं आपको बताऊं इस गाड़ी के इंजन के हिसाब से, इसके लुक के हिसाब से, इसके ऑफ रोडर कैपेबिलिटी के हिसाब से इस गाड़ी का इंजन तो हैवी है ही, लेकिन इसका टोटल अपन कर्ब वेट निकालते हैं 163 kg है, जो कि काफ़ी कम है। सीट हाइट इसकी 855 mm है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 200 mm का इसके अंदर अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात कर लेते हैं गारंटी वारंटी वगैरह की। दो तो इसमें 2 साल या 30,000 किलोमीटर तक की इसमें गारंटी मिल जाती है। DRL मिल जाता है, मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, GPS नेविगेशन मिल जाता है, उसी के साथ साथ स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, फ्यूल गेज वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती है, टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म मिल जाता है, स्टेप सीट वगैरह मिल जाती है, ट्रिप 1-2 मिल जाता है, ट्रिप मीटर टाइप डिजिटल मिल जाता है, लियो। तो काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं, जो कि आपको डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि काफ़ी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से इतना काफ़ी है। इसके अलावा अपन बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसकी ऑन रोड अपने को प्राइस पड़ जाती है 4,15,000 रुपये,